So hello everyone, it's me Arshad from SkyTech, and today in this video we will be going to publish our Android application on Play Store. So this is part 4 of Edmo mobile app development series. तो अब तक हमने तीन पार्ट यहाँ पर पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें पार्ट 1 हमने दो बार बनाया था, जिसमें कि एक सिंपल वन था एंड दूसरे वाले में एक बबल शूटिंग हमने एप्लीकेशन बनाई थी जो कि कुछ काम कर सकती थी, जिसका कुछ एप्लीकेशन था. तो आप दोनों में से किसी को भी देख सकते हैं, आपको दोनों का लिंक आई बटन में मिल जाएगा. बट आई विल प्रेफर कि आप बबल शूटिंग वाली को देख लीजिए. तो अगेन आपको दोनों का लिंक आपको आई बटन या फिर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. एंड उसके बाद सेकेंड पार्ट में हमने अपने एडमो अकाउंट को सेटअप करा था, अपने अकाउंट को बनाया था, अगर किसी ने नहीं बना रखा था पहले अपनी एड यूनिट्स बनाई थी और वहां पर उसको पूरा सेटअप कराता है. एंड उसके बाद थर्ड पार्ट आता है, जहां पर हमने फर्स्ट पार्ट में जो सोर्स कोड एक्सपोर्ट किया था एंड सेकंड पार्ट में जो एड यूनिट्स हमने ली थी, उन दोनों को मिलाकर हमने .ab फाइल बनाई थी एंड अपना एपीके एक्सपोर्ट करा था. तो आज उसी .ab फाइल को हम पब्लिश करने वाले हैं अपने प्ले स्टोर पर. तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं और पब्लिश करके मैं आपको वीडियो में लाइव दिखाने वाला हूं कि किस तरीके से आप अपने एक एंड्रॉइड एप्लीकेशन को .ab फाइल की मदद से पब्लिश कर सकते हैं. तो चलिए यहां पर मैं अपना प्ले कंसोल लॉगिन कर लेता हूं. तो यहां पर सबको आपको पता होगा कि प्ले कंसोल अकाउंट आपको परचेज करना होता है. तो आप इसकी वेबसाइट को विजिट करके देख सकते हैं इसकी फीस को. तो यहां पर मैं चलिए लॉगिन कर रखा है मैंने एंड मैं अपना प्ले कंसोल अकाउंट यहां पर ओपन कर लेता हूं. बट उससे पहले यहां पर मैं आपको कुछ और चीज बताना चाहता हूं. तो यहां पर आप देख सकते हैं मैंने दोनों फाइल्स यहां पर निकाल के रख ली, अपनी .ab फाइल जिसको मैं आज पब्लिश करने वाला हूं, जिसको कि हमने लास्ट वीडियो में एक्सपोर्ट करा था, एंड एपीके भी हमारे किसी काम का नहीं होने वाला है. चलिए यहां पर मैं आपको एक और चीज बताता हूं. तो यहां पर साथ ही में मैंने एक नोटपैड में एक फाइल बना रखी है, जहां पर मैंने कुछ डेटा जो हमें जरूरत पड़ने वाली है उसको यहां पर मैंने नोट डाउन करके रख लिया है. तो ये भी हमारा काम आने वाला है एंड साथ ही में यहां पर कुछ स्क्रीनशॉट्स हैं. तो चलिए मेन पार्ट को स्टार्ट करते हैं एंड आगे देखते हैं. तो अभी कोई परेशान होने की जरूरत नहीं आपको, अभी अपना मेन पार्ट स्टार्ट करते हैं एंड जैसे साथ साथ जो प्रॉब्लम्स आती आती है उन सबको सॉल्व करते आते हैं. तो चलिए आपको लॉग इन करना, तो यहाँ पर अपना डेवलपर अकाउंट सेलेक्ट कर लेता हूँ. मैं अगेन आपको बता दूं, अगर आपने प्ले कंसोल अकाउंट नहीं खरीदा है तो आप गूगल प्ले कंसोल की वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं एंड वहां से आप पब्लिश कर सकते हैं. तो यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर हमारे कुछ एप्लीकेशंस जो पहले से यहां पर इंस्टॉल्ड हैं और साथ में मैंने पब्लिश कर रखे हैं, इंस्टॉल नहीं पब्लिश कर रखे हैं प्ले स्टोर पर, वो यहां पर मेरे को देखने को मिल रहे हैं. तो चलिए एक एप्लीकेशन यहां पर क्रिएट करने आते हैं. सीधे आपको क्रिएट ऐप पे क्लिक कर देना है एंड यहां पर आप उस ऐप का आपको नेम देना है. तो चलिए इसीलिए मैंने नोटपैड फाइल यहां पे कॉपी करके रखी थी, यहां पर मैंने सारा डेटा यहां पे कॉपी करके रखा है. तो बबल में मैंने अपने ऐप का नेम है. तो चलिए यहां पर मैं इसे पेस्ट कर देता हूं एज इट इज. एंड यहां पर लैंग्वेज आपको इंग्लिश US रखनी है और यहां पर आपको सेलेक्ट करना है कि वो एप्लीकेशन है या फिर एक गेम है. तो आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं. तो फॉर माई केस इट्स गेम, और फ्री है या पेड है तो फॉर माई केस इट्स फ्री. ओके तो यहां पर आपको कुछ यहां पे चीजें सेलेक्ट करनी है. US एक्सपोर्ट लॉस को एक्सेप्ट कर लीजिए, यहां पे कुछ कंडीशंस हैं, ठीक है, डिक्लेरेशन से आपको एक्सेप्ट कर लेना. इसके बाद आपको क्रिएट ऐप पर क्लिक कर देना है. तो चलिए ये हमारा पहला स्टेप हो चुका है यहां पर, और इसके बाद हम आगे के स्टेप्स कंप्लीट करते हैं और स्टार्ट करते हैं मेन पार्ट. तो अब यहां पे देख सकते हैं हमारा ऐप यहां पर सेलेक्ट होके आ चुका है बबल मैन, ठीक है. अब यहां पर आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने हैं. तो यहां पर आपको आकर आपको सेटअप और ऐप पर क्लिक करना है एंड यहां पर एक एक करके सारे स्टेप्स आपको कंप्लीट करने हैं. तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं और पहले स्टेप पर क्लिक करते हैं, सेट प्राइवेसी पॉलिसी. तो यहां पर प्राइवेसी पॉलिसी का आपको लिंक डालना है अपने ऐप के लिए. तो यहां पर मैंने पहले से ही कॉपी करके रखा है, यहां पर आप देख सकते हैं. तो यहां पर मैंने इसे पब्लिश कर दिया है. अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर हम लोग कहां से प्राइवेसी पॉलिसी बनाएं अपनी. तो उसके लिए आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगी, जहां पर आपको एक वीडियो मिलेगी, वहां से आप देख सकते हैं किस तरीके से प्राइवेसी पॉलिसी बनाते हैं. तो मैंने इजी शॉर्ट वीडियो में आपको बताया कि किस तरीके से प्राइवेसी पॉलिसी बना सकते हैं. तो यहां पर देख सकते हैं कुछ इस तरीके से मैंने अपनी प्राइवेसी पॉलिसी को बना रखा है. तो उसका मेरे को यहां पर लिंक यहां पर एंटर कर देना है. तो चलिए मैं जल्दी से लिंक एंटर कर देता हूं. तो यहां पर मेरे को फुल लिंक एंटर करना है, स्टार्टिंग में .https वगैरह भी. तो मैं इसे अगेन कॉपी करके ओके तो यहां पर ये हो चुका है एंड इसके बाद मेरे को सेव कर देना है इसे. और सेव करते ही चलिए वापस चलते अपने डैशबोर्ड पर. तो अब यहां पर मैं नीचे स्क्रॉल करता हूं, देख सकते हैं आप पहला स्टेप मेरा कंप्लीट हो चुका है. अब जल्दी से ऐप एक्सेस वाले ऑप्शन को कंप्लीट करते हैं. तो यहां पर आप पढ़ के देख लीजिए, ए पार्ट ऑफ योर ऐप आर रेस्ट्रिक्टेड बेस्ड ऑन लॉगिन क्रेडेंशियल्स मेंबरशिप लोकेशन. तो क्या आपके ऐप में कुछ ऐसा है कि कुछ पार्ट रेस्ट्रिक्टेड है वहां पर जिसके लिए लॉगिन चाहिए, कुछ ऐसा चाहिए, तो आप यहां पर उसके अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं. तो ऑल फंक्शन इज अवेलेबल विदाउट स्पेशल एसेस कर देता हूं मेरे केस में, क्योंकि मेरे ऐप में कोई भी लॉगिन या कोई मेंबरशिप की जरूरत नहीं होने वाली है. चलिए इसे सेव करते हैं एंड अगेन चलते हैं डेस्क
डैशबोर्ड पर हमने टू स्टेप्स अब तक कंप्लीट कर लिए हैं, तो यहां नीचे करते हैं। अब थर्ड पार्ट आता है एड्स का, तो चलिए इसे ओपन करते हैं। तो डज योर ऐप कंटेन्स एड, चेक द एड्स पॉलिसी टू मेक श्योर योर ऐप इज कंप्लायंट। तो यहां पर मेरे ऐप में एड्स हैं, तो इसलिए मैं यस करता हूं एंड सेव करता हूं और अगेन डैशबोर्ड पर चलते हैं एंड नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। ओके, तो चौथा पार्ट आता है कंटेंट रेटिंग का। तो यहां पर चलो स्टार्ट क्वेश्चनरी करते हैं, जहां पर हमें इसको शॉर्टकट में बोलते हैं IARC, तो उसके एक फुल फॉर्म है। तो यहां पर हमें कुछ क्वेश्चंस के जवाब देने होते हैं, जैसे कि हमारा ऐप कौन कौन यूज कर सकता है, हमारा ऐप 18 अब यूज करना है, 18 ब्लो करना है, तो इस तरीके से यहां पर कुछ रेटिंग होती है जिससे डिसाइड करता है कि ऐप आपका कहां कहां अवेलेबल होगा। तो चलिए यहां पर ईमेल आईडी पेस्ट कर देते हैं यहां पर। तो यहां पर मैं दूसरी ईमेल आईडी पेस्ट करने वाला हूं, तो चलिए जो भी ईमेल आईडी है यहां पर आप अपने अकॉर्डिंग पेस्ट कर सकते हैं। तो मैंने ईमेल आईडी पेस्ट कर दी है एंड यहां पर कैटेगरी में मैं गेम सेलेक्ट कर लेता हूं। तो आप अगर नॉर्मल एपीके कर रहे हैं तो आप ऑल अदर टाइप गेम में सेलेक्ट कर सकते, ऑल अदर टाइप्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहां पर क्या आपको सेलेक्ट करना है कि आपके ऐप में वायलेंस या ब्लड जैसी कोई चीज देखने को मिलेगी, तो यहां पर नो कर देना है मेरे को। अब यहां पर कोई डराने वाली चीज फियर नो। तो यहां पर सेक्सुअलिटी आपके गेम में कोई उल्टा सीधा कंटेंट 18 प्लस कंटेंट है नहीं। यहां पर गैम्बलिंग, रियल गैम्बलिंग, कैश या पेआउट्स इस तरह का कुछ है आपके एप्लीकेशन में, तो आप नो सेलेक्ट कर देना है। और यहां पर लैंग्वेज, डज द गेम कंटेन अ पोटेंशियल ऑफेंसिव लैंग्वेज, यानी कि गेम में गालियां या कुछ ऐसा अलग टाइप का कुछ है, आप समझ सकते हैं किसी बात किस चीज की बात कर रहा हूं मैं, तो नहीं ऐसा कुछ नहीं है यहां पर। तो कंट्रोल्ड सब्सटेंस, डज द गेम कंटेन एनी रेफरेंस और यूज ऑफ ड्रग्स, जैसा कोई भी चीज जिसपे लिमिटेशन लगी हो, कंट्रोल लगाओ, तो ऐसे कोई चीज का वहां पर बताया जाता है नहीं। क्रूड ह्यूमर, तो आपको इन सभी मोस्ट ऑफ दी स्टेप्स को यहां पर नो करते हुए चलना है। तो आप पढ़ के देख सकते हैं मोर डिटेल्स के लिए। मिसलिनियस, तो डज द गेम नेटिवली अलाउ यूजर टू इंटरेक्ट और एक्सचेंज, तो यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं हमारे एप्लीकेशन में, सिंपल एक एप्लीकेशन है। डज द गेम शेयर यूजर करेंट एंड प्रिसाइज फिजिकल लोकेशन, नहीं, कोई भी लोकेशन वहां पर परमिशन नहीं लेता। परचेज डिजिटल गुड्स नहीं अलाउ करता हमारा, और नाजी सिंबल्स वगैरह भी यहां पर कोई जर्मनी का कुछ भी नहीं है यहां पर। Does the game contains any content that substance erode? ऐसा भी कुछ नहीं यहां पर। ओके, तो यहां पर does the game contain detailed description of techniques that could be criminal offense के लिए भी कुछ नहीं है। और यहां पर एडवोकेट कमिटिंग एक्ट्स ऑफ टेररिज्म, ऐसा भी कुछ नहीं है। तो यहां पर मैं आपको बता दूं, गेम के लिए अलग होगा, सिंपल ऐप के लिए अलग होगा, बट जो ये वाला IARC वाला जो पार्ट है, इसमें मोस्ट ऑफ द आपकी नो ही आंसर रहते हैं। आप पढ़ के देख सकते हैं, सिंपल लैंग्वेज में यहां पर लिखा हुआ है, तो यहां पर इसके अकॉर्डिंग आपके ऐप की रेटिंग डिसाइड हो जाती है। तो यहां पर मैं सेव करता हूं, तो सेव होने के बाद मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूं एंड यहां पर देख सकते हैं हमारे लिए रेटिंग 0 मिली है, यानी कि ऑल एजेस के सभी लोग इसको यूज कर सकते हैं और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में 3+ रेटिंग IARC की। इस तरीके से यहां पर कुछ रेटिंग्स यही चीज होती हैं जो यहां पर हमें इसके बाद में मिलती है आंसर देने के बाद में। चलिए इसे सबमिट कर देते हैं। तो यहां पर हो चुका है, यहां पर मेरे को रेटिंग मिल चुकी है मेरे एप्लीकेशन के लिए। अगर आपने कुछ गलत कर दिया, कुछ अच्छे से सबमिट ना कर पाए हो, तो आप क्वेश्चनरी को फिर से स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए वापस चलता हूं मैं डैशबोर्ड पर और अपना अगला स्टेप हम कंप्लीट करते हैं। तो यहां पर देख सकते हैं मेरे 4 स्टेप्स कंप्लीट हो चुके हैं। अब यहां पे आता है टारगेट ऑडियंस, यानी कि मैं किस किस देश में या कहां कहां में किस किस को अपना एप्लीकेशन देना चाहता हूं। तो यहां पर मैं अपना एप्लीकेशन किस किस को देना चाहता हूं, तो मैं यहां पर सभी को सिलेक्ट करता हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मेरा ऐप सभी यूज करें। ठीक है, तो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अगर आपके ऐप में कुछ एज रेस्ट्रिक्टेड कंटेंट है, तो आप उसके अकॉर्डिंग अपनी एज को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मेरे में कोई भी इसे यूज कर सकता है, तो मैंने सारी एजेस सेलेक्ट कर दी है। तो यहां पर मेरे को नेक्स्ट करना है। अब यहां पर क्योंकि हमने अंडर 13 के स्टूडेंट्स या बच्चों को जो भी सेलेक्ट करा है, तो इसलिए हमें यहां पर कुछ और क्वेश्चंस के भी आंसर देने होंगे। तो पर्सनल सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, डज योर ऐप, हमारा ऐप कोई पर्सनल या सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है, नहीं। तो यहां पर ये कुछ रूल्स हैं, हमें सर्टिफाई करना होगा कि हम इन रूल्स को मानते हैं। ठीक है, तो उसके बाद यहां पर ये करना है। अब यहां पर एड्स, आर ऑल ऑफ एड्स इन योर ऐप सुटेबल फॉर चिल्ड्रन आइदर, तो क्या हमारे जो एड्स हैं वो गूगल नेटवर्क से आ रहे हैं। गूगल नेटवर्क से आते हैं तो बेसिकली वो चिल्ड्रंस के लिए भी ठीक रहते हैं, सेफ रहते हैं, तो हम यस कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, गूगल से आप ऐप मोनिटाइज कर रहे हैं, अगर आप कहीं से कर रहे हैं तो आपको चेक करके देखना होगा, बट गूगल से कर रहे हैं तो आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो डिजाइन फॉर फैमिलीज, यस आई वॉन्ट टू ज्वाइन डिजाइन फॉर फैमिलीज, यानी कि इसमें फैमिलीज वाले जो बच्चे हैं, मतलब घर वालों के साथ में भी खेल सकते हैं, इस तरीके का गेम है। ठीक है, यस आई वॉन्ट टू डिजाइन फॉर फैमिलीज, तो यहाँ पर सेलेक्ट करना है कौन किस टाइप का हमारा गेम है। तो यहाँ पर लेट मी सेलेक्ट ब्रेन गेम सेलेक्ट कर देता हूँ मैं। ठीक है, तो बबल शूटर एक तरीके से मैं ब्रेन गेम कैटेगरी में डालना चाहता हूँ। यहाँ पर आपको और भी काफी सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, तो आप अपने अकॉर्डिंगली सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं ब्रेन गेम सेलेक्ट करके नेक्स्ट कर देता हूँ।
एंड यहाँ पर मेरे को ओके तो यहाँ पर मेरा सब कुछ हो चुका है। अब मैं सेव करता हूँ उसे एंड अगेन मैं चलता हूँ डैशबोर्ड पर अपने बैक। ओके तो यहाँ पर हमारी ये स्टेप भी कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर न्यूज ऐप को हमें सेलेक्ट करना है। क्या आपका ऐप न्यूज ऐप है? नो एंड सेव। ओके तो आपका हमारे सेव हो चुका है यहाँ पर है। अब वापस हमें डैशबोर्ड पर चलना है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या इतना इजी है प्ले स्टोर पर पब्लिश करना? जी हाँ बिल्कुल इतना ही इजी है बिल्कुल प्ले स्टोर पर पब्लिश करना। बस आपको कुछ चीजों का अच्छे से पढ़ना होगा। ये नहीं कि आपको आया आप यस नो कर देंगे कैसे भी उल्टा सीधा, तो वो चीज आपको नहीं करनी। इससे आपका अकाउंट भी रिस्क में जा सकता है। तो इसलिए वीडियो को एंड तक देखिए और अच्छे से समझिए। तो क्या आपके ऐप में कोई भी ऐसी चीज है जो COVID-19 की कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग में काम आती है या फिर COVID-19 के स्टेटस का ऐप है? तो इनमें से मेरा कोई भी नहीं है, COVID-19 से रिलेटेड कोई भी मतलब नहीं है। तो उसको मैं लास्ट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करके सेव करता हूं एंड अगेन डैशबोर्ड पर वापस चलते हैं। तो यहां पर सबसे नीचे चलते हैं और देखते हैं डेटा सेफ्टी को। ओके तो यहां पर हम आ चुके हैं। अब यहां पर मैं नीचे कर लेता हूं और चलिए यहाँ पर टू गेट स्टार्ट सेलेक्ट नेक्स्ट करते हैं, अगले स्टेप पर चलते हैं। तो डज योर ऐप कलेक्ट और शेयर एनी रिक्वायर्ड यूजर डेटा टाइप्स? तो नहीं, हमारा ऐप कोई भी यूजर का डेटा यहाँ पर कलेक्ट नहीं करता। डू यू वांट लेट यूजर्स नो अबाउट कमिटमेंट इन द डेटा सेफ्टी सेक्शन? ठीक है, तो यहाँ पर हम यूजर्स को बताना चाहते हैं कि हम जो प्ले फैमिलीज की पॉलिसीज को फॉलो करते हैं। वहाँ पर एक अलग से ऑप्शन शो हो जाएगा कि हमारा ऐप कोई भी यूज कर सकता है। ये वाला जो यहाँ पर लिखा हुआ है कमिटेड टू फॉलो द प्ले पॉलिसी फैमिली पॉलिसी शो होगा। अगर आप इसको शो नहीं करना चाहते तो आप इसको नो सेलेक्ट कर सकते हैं। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसे सेलेक्ट करके मैं यहाँ पे नेक्स्ट करता हूँ एंड यहाँ पर ही हमारा आ चुका है। इस तरीके से कुछ शो करेगा। तो चलिए इसे सेव कर देते हैं एंड मेजर ऑफ दी स्टेप्स हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। अब कुछ ही पार्ट बचा है। तो चलिए वापस चलते हैं ऑल एप्स पे और यहाँ पर अगेन मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ अपना बबल मैन। ठीक है, तो इस बार आप डैशबोर्ड पे नहीं आ सकते थे, आपको वहां जाना था वापस ऑल एप्स पे। फिर डैशबोर्ड पे आए हम फिर से और यहाँ पर नीचे करते हैं। ध्यान रखिए यहाँ पर बबल मैन वही एप्लीकेशन आपका सेलेक्टेड हो। तो अब यहाँ पर हमारे लास्ट के दो स्टेप्स ये और हैं, इसके बाद हम रिलीज स्टार्ट कर देंगे। चलिए इसे सेलेक्ट करके स्टार्ट करते हैं। तो ऐप और गेम सेलेक्ट कर रखा है। कैटेगरी सेलेक्ट करने किस कैटेगरी में आता है हमारा? तो पहले मैंने ब्रेन गेम सेलेक्ट करा था, तो यहाँ पर देखता हूँ कोई ब्रेन का ऑप्शन हो। एक्शन एडवेंचर किट बोर्ड कार्ड कैसिनो कैजुअल रोल प्लेइंग, तो यहाँ पर ब्रेन गेम्स का ऑप्शन नहीं आ रहा। तो यहाँ पर मेरे को कुछ और ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा, तो लेट मी चूज वाइसली। ओके सो यहाँ पर मैं आर्केड गेम सेलेक्ट कर दिया मैंने अभी के लिए। और मैनेज टैग्स में यहाँ पर हम अपने ऐप के टैग्स डाल सकते हैं जिससे कि इजीली उसे यहाँ पर हम सर्च कर सकें। ठीक है, तो यहाँ पर मैं सर्च करके देखता हूँ, यहाँ पर अपने देखता हूँ टैग्स जो मेरे को ठीक लगे। आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं, तो अभी के लिए इतने काफी हैं। मैंने इनको यहाँ पर सेलेक्ट कर दिया है अपने टैग्स को, तो इन कैटेगरीज में आ जाएंगे मेरे। और अब इसके बाद नीचे अगेन मैं ईमेल एड्रेस डालता हूँ, स्टोर लिस्टिंग एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स। तो यहाँ पर अगेन मैं वही ईमेल एड्रेस कॉपी कर देता हूँ, जो भी आप डालना चाहते हैं आप अपने अकॉर्डिंग कर लीजिए। यहाँ पर मैंने कर दिया एंड फोन नंबर को आप चाहो तो एम्प्टी रख सकते हो, तो ईमेल आईडी काफ़ी है। और ये हो चुका है, चलिए मैं इसे सेव करता हूँ। यहाँ पर मैं अभी कोई वेबसाइट नहीं डाला था, अगर आप वेबसाइट या फोन नंबर जो भी डालना चाहते हैं हम डाल सकते हैं। तो अभी के लिए इतना काफी है, तो चलिए वापस चलते हैं डैशबोर्ड पर और नीचे चलता हूँ और स्टेप्स को फॉलो करने में। तो यहाँ पर सेटअप और स्टोर लिस्टिंग पे मैं क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर ऐप नेम हमारा बबल मैन रहेगा। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट चीज आती है वो आती है जो मैंने इसमें सेव कर रखा है। तो यहाँ पर आपको शॉर्ट डिस्क्रिप्शन चाहिए होता है एंड एक लॉन्ग डिस्क्रिप्शन, तो दोनों मैंने यहाँ पर पहले से लिख के रख लिया है आपके अकॉर्डिंग। तो ये मेरा शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, आप देख के यहाँ पर इस तरीके का कुछ डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं शॉर्ट और अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकते हैं। तो 80 वर्ड्स की लिमिट है, तो यहाँ मेरे दो वर्ड्स ज़्यादा हो रहे हैं, तो चलिए इसे मैं छोटा कर लेता हूँ। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर छोटा कर सकते हैं। ओके तो यहाँ इसका शॉर्ट डिस्क्रिप्शन हो चुका है इसका। अब यहाँ पर फुल डिस्क्रिप्शन में मैं अगला जो है पेस्ट कर देता हूँ यहाँ से कॉपी करके। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से इसको डिजाइन कर सकते हैं और वर्ड्स लिमिट यहाँ पर देख ही सकते हैं आप 80 की थी एंड इसमें 4000 की, तो आप इसमें काफ़ी कुछ लिख सकते हैं यहाँ पर। तो अभी के लिए इतना काफ़ी है वीडियो डेमोन्स्ट्रेशन पर्पज के लिए। और यहाँ पर जो मेन चीज़ आती है वो आती है ऐप आइकन, आपको अपलोड करना होगा अपने एप्लीकेशन का। तो चलिए अब यहाँ पर अपने ऐप का ऐप आइकन अपलोड कर देते हैं, बट उससे पहले यहाँ पर मैं आपको कुछ फीचर ग्राफिक वगैरह यहाँ पर बता देता हूँ। तो आपके ऐप का जो फ्यूचर ग्राफिक है वो भी आपको डिजाइन करना होगा। तो फ्यूचर ग्राफिक आप कैनवा पर जाकर डिजाइन कर सकते हैं, जिसका वीडियो आपको अगेन आई बटन में मिल जाएगा। एंड लोगों के लिए यहाँ पर आपको वीडियो अगेन आपको आई बटन में मिल जाएगा, तो दोनों के लिए आपको आई बटन में वीडियोस मिल जाएंगे। एंड साथ ही में यहाँ पर जो तीसरा आता है फोन स्क्रीनशॉट, इसके लिए भी आपको वीडियो आई बटन में मिल जाएगा। तो जल्दी से जाइए उन वीडियोस के देखिए एंड उन वीडियोस की हेल्प से आप इजीली यहाँ पर स्क्रीनशॉट्स को अटैच कर सकते हैं। तो चलिए पहले यहाँ पर अपने स्क्रीनशॉट्स को देख लेते हैं एंड फिर उसको अटैच करते हैं।
तो यहाँ पर इस फोल्डर में हमारे हैं अमेजिंगली स्क्रीनशॉट्स यहाँ पर दे रखे हैं। तो इस तरीके के आप काफ़ी अच्छे स्क्रीनशॉट्स यहाँ पर बना के यहाँ पर अटैच कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं आपको अपने प्ले कंसोल अकाउंट पर जाके दिखा देता हूँ एक बार। तो इस यहाँ पर लेट मी गो डाउन, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारे कुछ इस तरीके के एप्लीकेशन के स्क्रीनशॉट्स आप इजीली क्रिएट कर सकते हैं। तो जल्दी से जाइए, आपको आई बटन में ऊपर वीडियोस मिल जाएंगे, सारे ऐप स्क्रीनशॉट्स, ऐप आइकन एंड जो तीसरी वाली उसकी भी वीडियो मिल जाएगी। तो जल्दी से जाइए एंड वीडियोस आप देख सकते हैं वहाँ पर। चलिए आप अपने स्क्रीनशॉट्स को यहाँ पर अटैच कर देते हैं। ओके, तो मैंने सारे स्क्रीनशॉट सेलेक्ट कर दिए, उनको अपलोड कर दिया है। ओके, तो स्क्रीनशॉट्स हमारे अपलोड हो चुके हैं एंड सेम हम उन्हीं स्क्रीनशॉट्स को टैबलेट में भी अपलोड कर सकते हैं। तो अगेन मैं सारे सेलेक्ट करके यहाँ पर अपलोड कर देता हूँ एंड अगेन इस वाले में भी हम वही सेम स्क्रीनशॉट यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। तो अगेन मैं वही करता हूँ एंड इनको भी यहाँ पर सिमिलरली अपलोड कर देता हूँ। तो यहाँ पर हमने तीनों में स्क्रीनशॉट्स अपलोड कर दिए हैं। अब हम यहाँ पर हमारा नेक्स्ट काम आता है, वो आता है हमें फ्यूचर ग्राफिक को अपलोड करना है एंड अपने एप्लीकेशन लोगो को। तो एप्लीकेशन लोगो के लिए आपको वीडियो वैसे मैं डिस्क्रिप्ट बता दूंगा, बट यहाँ पर आपको जो लोगो बनाना है वो 1 MB से छोटा एंड 1500x1200 पिक्सल एंड की 512x512 पिक्सल का होना चाहिए। तो चलिए अब इनको भी अपलोड करते हैं। ओके, तो चलिए यहाँ पर मैं अपना ऐप आइकन अपलोड कर लेता हूँ। तो चलिए यहाँ पर आता हूँ एंड मैं अपलोड पर क्लिक करता हूँ। ओके, तो यहाँ पर मेरे को अपना ऐप आइकन सेलेक्ट कर लेना है एंड ध्यान रखना है वो 512x500 पिक्सल का होना चाहिए। तो यहाँ पर ये रहा मेरा ऐप आइकन, इसे ओपन कर लेता हूँ मैं यहाँ पर एंड देखता हूँ कि क्या ये एक्सेप्ट होता है या नहीं होता। अगर एक्सेप्ट नहीं होता तो मे बी हमारा साइज 1 MB से ज्यादा होगा या फिर वो 512x500 पिक्सल का नहीं होगा। तो यहाँ पर कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, क्योंकि हमने ऊपर वाली डिक के वीडियो से आपने अगर बनाया होगा तो आपका इजीली एक बार में सबमिट हो जाएगा। तो यहाँ पर मेरा हो चुका है एंड इसके बाद चलिए सेलेक्ट करते हैं अपना फ्यूचर ग्राफिक, तो जो कि अगेन 1 MB से छोटा होना चाहिए एंड 1024x500 पिक्सल का होना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, उसको भी अपलोड कर देते हैं आगे। और अगेन मैं आपको बताता हूँ, अगर आपने ऊपर आइकन वाली वीडियो से देख के बनाया होगा तो आपका ये अगेन एक बार में आपका यहाँ पर सेलेक्ट हो जाएगा एंड देखिए दोनों देखने में काफी ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। तो अगर आपको भी नहीं पता कैसे बनाते हैं तो मैंने जैसा कि पहले बताया था, ऊपर आपको आई बटन है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। तो यहाँ पर हमने दोनों चीजें अपलोड कर दी हैं एंड यहाँ पर हमारा सब कुछ रेडी हो चुका है। और अगर आपके पास यहाँ पर कोई वीडियो हो आपके एप्लीकेशन के लिए आपने बनाई हो यूट्यूब की, तो आप उसका लिंक यहाँ पर दे सकते हैं। चलिए अभी फिलहाल के लिए इसे सबमिट करते हैं। तो लेट मी सेव दिस। ओके, तो यहाँ पर हमारे सारे चेंजेस सेव हो चुके हैं और वापस चलते हैं अपने डैशबोर्ड पर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भी हमारा जो इमेज है उसको जो लोगो है हमारे एप्लीकेशन का वो अपडेट हो चुका है। तो चलिए अब नीचे कर लेते हैं। ओके, तो वो हमारे सारे स्टेप्स जो है हमारे कंप्लीट हो चुके हैं एंड यहाँ से वो अब हमारा हट चुका है क्योंकि हमारे सारे एप्स कंप्लीट हो चुके हैं। अब यहाँ पर हमें कुछ और ऑप्शंस लास्ट व्यू बचते हैं यहाँ पर हमारे पास एंड उसके बाद यहाँ पर देखिए स्टार्ट टेस्टिंग नाउ का ऑप्शन आ रहा है, आपको उसको सेलेक्ट नहीं करना है। यहाँ पर देखिए वही सेम ऑप्शन है, आपको उसको सेलेक्ट नहीं करना। नीचे ऑप्शन आ रहा है रिलीज योर ऐप एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं तो आपका कुछ और एप्लीकेशन के यहाँ पे स्टेप्स आ रहे हैं। तो यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है पब्लिश योर ऐप ऑन गूगल प्ले स्टोर, तो आपको भी क्या करना है यहाँ पर रिलीज योर ऐप वाले में आ रहा है टेस्ट योर ऐप विद लार्ज ग्रुप ऑफ टेस्टर्स, तो आपको ये वाला नहीं करना है क्योंकि आप नहीं चाहते आपका ऐप पहले टेस्ट हो। अगर आप चाहते हैं कि आप अपना एप्लीकेशन पहले टेस्ट करें तो उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर एप्लीकेशन टेस्ट के ही सारे स्टेप्स हैं, तो यहाँ पर आपको जो ऑप्शन मेनली करना है वो पब्लिश योर ऐप ऑन गूगल प्ले, क्योंकि आप डायरेक्टली पब्लिश करना चाहते हैं बिना किसी टेस्टिंग या किसी चीज के। तो सेलेक्ट कंट्रीज एंड रीजन हम यहाँ पर करते हैं, तो जल्दी से सेम यहाँ पर ऐड कंट्रीज और रीजन कर लेते हैं। और यहाँ पर जल्दी से मैं सारे कंट्रीज एंड रीजन सेलेक्ट कर देता हूँ, तो एक एक करने की वजह से आप कंट्री रीजन पे क्लिक करेंगे तो सारे हमारे ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाएंगे एंड ऐड कंट्रीज और रीजन कर देना है आपको। तो यहाँ पर टोटल 176 कंट्रीज में हमारा ऐप ये पब्लिश होने वाला है। तो देखिए काफी ज्यादा अमेजिंग है, हम एक क्लिक से अपना ऐप कितनी सारी कंट्रीज में पब्लिश करने वाले हैं। तो यहाँ पर आपका देखिए यहाँ पे सबमिट हो चुकी है सारी कंट्रीज एंड उसके बाद आपको क्या करना है पर क्रिएट न्यू रिलीज पर आपको क्लिक कर देना है यहाँ पर, जिससे कि आप अपने ऐप का एक नया वर्जन एक नया रिलीज यहाँ पर लॉन्च करने वाले हैं। तो यहाँ पर हमारा लगभग 99% हमारा वर्क कंप्लीट हो चुका है। अब आपको यहाँ पर अपना फाइनली ऐप बंडल अपलोड करना है, तो आपको जल्दी से अपलोड पर क्लिक करना है या फिर आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं उस फोल्डर में से। तो मैं यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप करने वाला हूँ, तो उस फोल्डर में चलते हैं। ऐप रिलीज AAB हमारा फाइल ये रही, इसको सेलेक्ट करता हूँ मैं एक बार क्लिक करके सिंगल क्लिक करके एंड यहाँ से मैं इसको जल्दी से ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ। तो मे बी आई थिंक ओके, सो लेट मी सेलेक्ट दिस एंड ड्रैग एंड ड्रॉप अप हियर।
ओके, तो यहाँ पर इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ और यहाँ पर देखिए हमारी फाइल जो है अपलोड हो रही है। तो लेट मी वेट फॉर फ्यू मिनट्स। ओके, तो तब तक हम क्या करते हैं, अपन नीचे रिलीज डिटेल्स डाल देते हैं। तो रिलीज नेम किस नाम से हम अपने ऐप को रिलीज करना चाहते हैं, तो यहाँ पर मैं अपना नाम डाल देता हूँ बबल मैन। ठीक है, तो हम बबल मैन नेम से इसको रिलीज करना चाहते हैं और नीचे यहाँ पर आपको ये कुछ इस तरीके का मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए हमारे पहला वर्जन अपलोड हो चुका है सक्सेसफुली। एपीआई लेवल 21 से टारगेट एसडीके 32 और 4 स्क्रीन के लेआउट है वहाँ पर हमारे पास और यहाँ पर हमारी सारी इन्फो यहाँ पर हमारा ऑटोमेटिकली आ चुका है। तो चलिए यहाँ पर मैं नीचे कर लेता हूँ, हमारा सब कुछ अच्छे से हो चुका है और यहाँ पर आपको रिलीज इन्फॉर्मेशन डालनी है। तो बेसिकली यहाँ पर क्या होता है, हर रिलीज में हम बोलते हैं कि इस वाले वर्जन में हमारा ये नई चीज आई, इस वाले वर्जन में ये नई चीज आई, तो वो यहाँ पर लिखते हैं बेसिकली। तो यहाँ पर मैं उसकी जगह इस लॉन्ग डिस्क्रिप्शन को ही कॉपी करके मैं यहाँ पर इसमें पेस्ट करने वाला हूँ। ठीक है, जैसे बोलते हैं ना, आप आगे रिलीज करेंगे तो आपको बताना होगा कि इस वर्जन में हमने क्या नया डाला, इस वर्जन में हमने क्या नया डाला, तो उसी सब के लिए ये वाला होता है रिलीज नोट्स। तो आपको अपनी अपनी लैंग्वेज के हिसाब से डाल सकते हैं, जैसे इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट्स, इंग्लिश इंडिया भी, इस तरीके से काफी सारे हैं, तो आप इस तरीके से आप अपने जनरेट करके डाल सकते हैं। तो जो भी लिखना है इसके बीच में लिखना है। तो यहाँ हमारा रिलीज नोट्स हो चुके हैं एंड इसके बाद मेरे को सेव कर देना है इसको। तो यहाँ पर हमारा सब कुछ कंप्लीट हो चुका है, तो यहाँ पर हमारा AIB फाइल एक्सेप्ट हो चुकी है, सब कुछ हो चुका है। रिव्यू रिलीज पर मेरे को क्लिक करना है एंड आफ्टर दैट फाइनली वी विल रोल आउट, यानी कि हमारा पब्लिशिंग के लिए डाल देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास कोई वार्निंग आई है। ठीक है, तो यहाँ पर डी ऑफ फ्यूजन फाइल हमारे ऐप में नहीं है, बंडल में नहीं है डी ऑफ फ्यूजन फाइल। तो उसके लिए आप और जानना चाहते हैं तो आप लर्न मोर यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, एक सिर्फ एक वार्निंग है, एरर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हम जल्दी से स्टार्ट रोल आउट कर देते हैं। तो रोल आउट का मतलब हमारा ऐप जा चुका है प्ले स्टोर के लिए और यहाँ पर ये देखिए हमारा रिलीज, थोड़ा वेट करेंगे तो यहाँ पर आ चुका है रिलीजेस में। तो यहाँ पर आप व्यू रिलीज डिटेल्स करेंगे तो ये वाला हमारा रिलीज यानी कि वाला वर्जन हमारा प्ले स्टोर पर पब्लिश होने के लिए जा चुका है। तो यहाँ पर देख सकते हैं इन रिव्यू में आपका एप्लीकेशन अभी यहाँ पर जा चुका है और यहाँ पर ज्यादा टाइम नहीं लेता, एक के अंदर ही अंदर 2-3 दिन का भी कमा आपका ये ऐप पब्लिश हो जाएगा एंड आपको एट दैट टाइम सेम टाइम पर आपको मेल भी आ जाएगा। तो चलते हैं यहाँ पर अपने डैशबोर्ड में और मैं आपको कुछ और चीज दिखाना चाहता हूँ। तो यहाँ पर डैशबोर्ड में जाकर अगेन मैं अपना वही एप्लीकेशन फिर से सिलेक्ट करूंगा, तो बाई डिफॉल्ट ऊपर सिलेक्टेड था तो यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके इस एप्लीकेशन का सारा इन्फो यहाँ आ चुका है और अभी इन रिव्यू है, यहाँ पर जैसे ही पब्लिश होता है तो एक्टिव यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा। तो यहाँ पर आप अपने एप्लीकेशन को देखना चाहते हो तो आप व्यू ऑन गूगल प्ले स्टोर आप कर सकते हैं। तो अभी जब तक ये पब्लिश नहीं होता ये एप्लीकेशन आपका इस तरीके से खुलेगा, URL एरर में रिजल्ट करेगा, बट जैसे ही आपका ऐप पब्लिश होता है आपको मेल आएगा और फिर आप इस लिंक को ओपन करके देखोगे तो यहाँ पर आपका ये लिंक पे आपका एप्लीकेशन लोड होगा बिल्कुल जैसे अदर्स होते हैं। तो अभी के लिए जो इम्पोर्टेंट काम है आपको क्या करना है, इस लिंक को कॉपी करके सेव करके रख लेना है एंड वेट करना है जब तक आपका एप्लीकेशन पब्लिश नहीं हो जाता। सो आज की वीडियो में इतना ही, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा किस तरीके से आप अपना एप्लीकेशन इजीली पब्लिश कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा एप्लीकेशन फुली फाइनली पब्लिश हो चुका है एंड कुछ दिन बाद हम देखेंगे तो यहाँ पर हमारा एप्लीकेशन जो है प्ले स्टोर पर लाइव हो जाएगा। तो मैं इस जो एप्लीकेशन है उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाके देख सकते हैं। तो आज के इस पार्ट 4 में इतना ही, मिलते हैं अगले पार्ट में, पार्ट 5, जहाँ हम जो लिंक हमने यहाँ पर रिसीव किया है इसकी मदद से अपने एड मूव का लास्ट एंड फाइनल वहां पर सेटिंग करके अपने ऐप में रियल एड्स देखने वाले हैं। तो इस लिंक को कॉपी कर लेना है, पब्लिश होते इस लिंक को हमें जाकर अपने एड मूव में देना होगा, सबमिट करना होगा एंड उसके बाद हम देखेंगे हमारे एप्लीकेशन पर लाइव रियल एड मूव एड्स आने लगेंगे। सो आज की वीडियो में इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अस।